नमस्कार, मैं जितेंद्र जैन और आप देख रहे हैं खबर समय जगत। आई नजर डालते हैं आज की कुछ ताजा तरीन खबरों पर। टीकमगढ़ अधिवक्ता संघ जतारा ने एसडीएम सौरभ सोनवाड़े को मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपते हुए कहा कि अधिवक्ता सूर्यवान सिंह सेहोरा पर बंदूक से जानलेवा हमला करने वाले आरोपियों को जल्द से जल्द गिरफ्तार किया जाए। साथ ही प्रदेश में एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट भी लागू किया जाए। ज्ञापन सौंपने वालों में अभिभाषक अमृतलाल चौबे, गोविंद सिंह पायक, मोहम्मद सफी एडवोकेट, लड़केंद्र भदौरिया, कृष्णकांत सक्सेना, रोहित भदौरिया आदि मौजूद रहे। किस संबंध में आज ज्ञापन दिया गया? आज हमने ज्ञापन हमारे सम्मानीय अधिवक्ता सूर्यवान सिंह हैं, जो उनके ऊपर प्राणघात हमला किया गया है, उनको गोली मारी गई है, अब वह स्वस्थ हैं। हम लोगों का यही आग्रह है कि उनके जो अपराधी हैं उनको शीघ्र गिरफ्तार किया जाए और कठोर से कठोर सजा दी जाए, तथा अधिवक्ताओं की सुरक्षा के लिए प्रोटेक्शन एक्ट लागू नहीं हुआ है। माननीय मुख्यमंत्री से हमारा निवेदन है कि जल्दी से जल्दी लागू करें, नहीं तो हम लोग उग्र आंदोलन कर प्रोटेक्शन एक्ट के लिए आगे की कार्रवाई करें। अधिवक्ता यूनियन जिंदाबाद। टीकमगढ़ से खबर समय जगत के लिए परशुराम अहिरवार की रिपोर्ट। फॉर लेटेस्ट न्यूज सब्सक्राइब टू अवर चैनल एंड प्रेस द बेल आइकॉन।